मेरा एक्सपीरियंस लगभग 3 साल हो गए, हाँ 3 साल हो गए सर। और अभी और मेरे यानी 3 साल पहले और अभी में मेरा यानी कहा जाए बहुत आसमान का फर्क हो गए, पूरा डिफरेंट हो गई मैं। और एक दो बार मैंने और अपना एक्सपीरियंस शेयर करी कि मैं कभी व्रत नहीं रखती थी, रह ही नहीं पाती थी। 9 बजे तक खाना नहीं मिला तो हाथ पैर कांपता था, अंधेरा हो जाता था आंखों के सामने। लेकिन आपकी कृपा से जब आपके जैसे स्टार्ट करी तो ओनली वन नाइट में मेरा जो भी प्रॉब्लम था बहुत उसका लगभग 50 से ऊपर ठीक हो गया। बढ़िया, और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम था कि एसिडिटी और जो मेनोपॉज का प्रॉब्लम था, सारा चीज पता नहीं कैसे छुमंतर हो गए। घुटने में दर्द शुरू हो गए थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि घिस गया है वगैरह वगैरह। तो सबको मैं यही बोलूंगी, केवल केवल एक बार एक्सपीरियंस करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ तक से आप यकीन नहीं करोगे। कोई भी आपका विटामिन 12 की कमी है वो भी कंप्लीट हो जाता है, मेरे साथ हुआ है। और आयरन मेरे कभी ना 8 ग्राम से कभी ब्लड ऊपर नहीं जाता था, लेकिन आज की स्थिति में 12 ग्राम है। और ऐसा कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं, केवल केवल हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ये एकादशी व्रत से ही सारा चीज हुआ है। और डॉक्टर भी ऐसे हैरान हो जाते थे, हम जब भी जाते थे डॉक्टर के पास हमको ये बोलते थे आपका लीवर का इशू है, लीवर का इशू है। लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलते कि हमको लीवर का इशू है करके। और आपकी इतनी कृपा है गुरु जी कि सच में समाज सुधर जाए। ओनली एक बार बस ट्राई करके कोई देखे कि कैसे व्रत रखते हैं, नहीं तो मैं कभी व्रत रखती नहीं थी, लेकिन आपके वजह से कैसे रख पाई और कैसे रहा गया। अब तो नवरात्रि भी रही हूँ मैं, तो 2-3 नवरात्रि, तो उससे और क्लीन हुआ बॉडी नवरात्रि से। और बहुत बढ़िया। अभी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे स्वस्थ हूँ। हर कोई मेरे को पूछते रहते हैं कि आपने इतने चेंजेस कैसे, बॉडी तो वाव बोलते हैं सब की, बताइए। लोग घर भी आते हैं कई लोग पूछने के लिए। और जब मैं ये बात बताती हूँ तो कई लोग माने हैं, मेरे घर में भी सभी लोग रखते हैं। मेरे मिस्टर का भी हाई बीपी था, नॉर्मल हो गया। साइनस प्रॉब्लम था मेरी बेटी को, वो भी ठीक हो गया। तो A to Z, तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब इसके करके देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जय गुरुदेव।